अनाउंस करवाएंगे और वो अनाउंस करेंगे। जी ठीक है। नहीं मिश्र भट, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिए, हम अपने देखने वालों को बताएं अहम खबर हम आपको दे रहे हैं पंजाब असेंबली से, जहां स्पीकर बरकरार रहे हैं राणा मोहम्मद इकबाल, जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। आपको बताएं कि 342 अराकीन पंजाब असेंबली के जिन्होंने हलफ उठाया था लेकिन वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया, 332 अराकीन ने, 10 अराकीन ऐसे जिन्होंने इस अमल में हिस्सा नहीं लिया, और इस अमल के बाद 297 वोट हासिल किए राणा मोहम्मद इकबाल ने, जिनका ताल्लुक था मुस्लिम लीग नून से, और इसके साथ तहरीके इंसाफ की जानिब से जो उम्मीदवार खड़े किए गए थे उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 35 वोट हासिल किए। इस तरह राणा मोहम्मद इकबाल मुसलसल दूसरी मुद्दत के लिए स्पीकर पंजाब असेंबली मुंतखब हो गए हैं, और आपको ये भी बताएं कि वो पहले ऐसे स्पीकर हैं पंजाब असेंबली के जिन्होंने पिछले हुकूमत में 5 साल मुकम्मल किए और अब दूसरी बार वो मुंतखब हुए हैं। इससे पहले मंजूर अहमद बट्टू भी स्पीकर रह चुके हैं 3 बार मुसलसल इस असेंबली के, लेकिन उन्होंने किसी